गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जॉब अपडेट है आईटी बीपीएफ की ओर से, तो चलिए हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर इन आईटी बीपीएफ 2023 का नोटिफिकेशन आ गया। तो इसकी ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 16/11/2023 से, एंड इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट, वो 15/12/2023। ओके, अगर हम नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 6 है, एंड इसमें रिजर्वेशन स्टेटस के बारे में भी बताया हुआ, एंड अलग अलग जो कैटेगरी है जैसे कि एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे अलग से पोस्ट को डिस्क्राइब किए हुए हैं। ओके, अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है, तो आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। ओके, एज एंड रिलेक्सेशन के बारे में बात करें तो एज जो लिमिट है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एसी इंजीनियर के लिए शुड नॉट एग्जिस्ट 30 ईयर्स ऑन द क्लोजिंग डेट। ओके, अगर हम बात करें तो इसमें एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलेक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का एज रिलेक्सेशन दिया हुआ। कुछ यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया हुआ कि मेल फीमेल के लिए क्या होना चाहिए, एंड मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया हुआ मेल फीमेल दोनों के लिए, एंड फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई एंड बाई विच डेट। तो recruitment.itbpbp.nic.in पे जाके आपको फॉर्म भर लेना। एंड एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट के लिए आपकी जो फी लगने वाली वो 400 रुपीज लगेगी। ओके, किसके लिए, मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए कितना, 400 रुपीज लगेगी। ओके, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ट्राइब फीमेल्स के लिए ये क्या छूट है, इसमें कोई फी नहीं लगेगी फ्रॉम पेइंग द फी। ठीक है, हाँ, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है इसमें, एंड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। चलिए अगर हम बात करें यहाँ आपकी फेज सेकेंड रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में, तो जो पेपर वन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओएमआर बेस 100 मार्क्स का होगा, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर बेस्ड होगा, 100 टोटल मार्क्स के आएंगे। तो इसमें जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश। तो जो जनरल अवेयरनेस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, मैक्सिमम मार्क्स 25, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एंड जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। अगर हम पेपर सेकेंड के बारे में बात करें, पेपर सेकेंड तो सब्जेक्टिव वाइज 100 मार्क्स का होगा, इसमें सिविल इंजीनियरिंग 15 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, तो पार्ट ए 5 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स ईच, पार्ट बी 5 क्वेश्चंस फॉर 8 मार्क्स ईच, पार्ट सी 5 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स ईच, टाइम रहेगा 2 घंटे का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पेपर शैल बी 50% फॉर जनरल ओबीसी एक्सेस सर्विस एंड 45% फॉर एससी एंड एसटी के लिए। पेपर सेकेंड सब्जेक्टिव ओनली, बेसिक साइंटिफिक कैलकुलेटर, नो इलेक्ट्रिक गैजेट्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन। ओके, आपका पेपर सेकेंड के बारे में बताओ। फेज थर्ड होगा आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 50 मार्क्स का, इसमें क्या नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा 10 मार्क्स का, और जैसे कि पर्सनालिटी एंड अपीयरेंस के बारे में 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस का 10 मार्क्स, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज 10 नंबर की यहाँ पे पूछने वाला है। मेरिट लिस्ट बन कर आएगी, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फेज फाइव होगा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इसको आपको रीड कर लेना है, देन उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ओके, तो जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी आईटीबीपीएफ से, तो वो हमने डिस्कस कर लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लिए, क्या है इसका एग्जाम का पैटर्न है। ओके, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए एंड इसके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसके अदरवाइज अगर आप लोग को डाउट आता तो कॉमेंट सेक्शन मैं मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।